छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के लोधी में हुए नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले का स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री व शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव व शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। तमाम प्रशासनिक अमलों की मौजूदगी में सिंहदेव ने पीड़िता और उनके परिवार से लगभग एक घंटे तक मुलाकात की। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सिंहदेव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वह घटना के बाद से ही परिवार के साथ मोबाइल से संपर्क पर थे और पल पल की जानकारी लेते रहते थे। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पीड़िता की शिक्षा विवाह का बीड़ा प्रशासन द्वारा उठाए जाने का वादा किया है। साथ ही परिवार को 3 एकड़ भूमि वन पट्टे के आधार पर देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक है और समाज में दोनों का बराबरी का दर्जा है। वहीं उन्होंने शिव पार्वती राधा कृष्ण राम सीता जैसे चरित्रों का उदाहरण देते हुए समाज में सुधार कर नारी का सम्मान करने की बात कही है। बता दें कि इस मामले का राज्य सरकार ने संज्ञान तो लिया है और परिवार की स्थिति को सुदृढ़ करने के तमाम वादे भी किए हैं। इधर मामले में तत्परता दिखाते हुए राज्य शासन ने संबंधित थाना के प्रभारी और वार्डफ नगर के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर अपना पल्ला तो झाड़ दिया। इस बीच बीते 3 दिनों के अंदर बलरामपुर जिले में बलात्कार के 6 और मामले घटित हुए हैं। उन पर अभी राज्य शासन ने कोई पहल नहीं की है। अब आगे देखना होगा कि उन 6 पीड़ित परिवारों को भी कोई राजकीय सहायता मिलती है या फिर बलात्कार के मामले भी राजनीति का शिकार होकर फाइलों में बंद हो जाएंगे। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। रीतियां हैं जो स्वीकार्य नहीं है और जब उनका खुले में चर्चा होगी और उनका प्रतिकार होगा तो मेरा विश्वास है कि इस प्रकार की घटनाओं में कमी आएगी। अब ये महसूस हो रहा है कि प्रशासन की तरफ से और आम आदमी की तरफ से भी एक अभियान के रूप में जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। बच्चों को, युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। आपको क्या महसूस होता है, क्या राज्य सरकार इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाएगी? जिला प्रशासन क्या करेगा, आगे इस अभियान चलाएगा? कर भी रहा है और भी करना चाहिए। इसमें कमी कहीं नहीं आनी चाहिए। देखिए, हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, हर देश में क्या होता है हम लोग देख रहे हैं। बलात्कार हमारे देश में ही है, ऐसा नहीं, बड़े जिनको हम अमेरिका कहते हैं, दूसरे देश कहते हैं, वहाँ भी होते हैं। लेकिन लोगों को जागरूक करना, वहाँ लोग उसके खिलाफ चुप नहीं रहते। अगर कहीं ऐसी घटना होती है तो समाज भी उठ खड़ा होता है, जिनके साथ ऐसे वाकया होते हैं वो भी अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। ये जागरूकता हमको यहाँ भी खड़ी करनी है, वरना रावण तो हमारे रामायण में भी थे, लेकिन उन रावणों में कम से कम ये चरित्र था कि सीता की तरफ उन्होंने हाथ नहीं उठाया। आज के हमारे रावण की, रावण यानी हमारी, हमारे में राम और रावण, तो हमारे अंदर का जो रावण है वो सीता की तरफ हाथ ना उठाए, आज इस बात को अपनाने की आवश्यकता। बाबा, एक जब पीड़ित परिवार ने आपके पास समस्या रखी, किसी को सामाजिक तौर पे बेटियों का विवाह करना है और समाज से अपनाने में शायद दिक्कत महसूस, ये समय के साथ होता है। अभी थोड़ा दबाव की स्थिति में हम हैं, वो परिवार भी है, सब दबाव की एक स्थिति में है, क्योंकि एक बहुत गलत वाकया हो गया, बहुत दुर्घटना, एक बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें हमारी बच्ची की मर्यादा के संदर्भ में कुछ हाथ उठे। इसको सामान्य स्थिति में ले जाना, देखिए सबसे बड़ा दंड क्या होता है कि जिसने गलती की उस चीज को माने कि मैंने गलती की, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इससे बड़ी दंड कोई दूसरा नहीं होता, अपने आप में महसूस करना कि हमसे गलती हुई। जिस दिन हम गलती को स्वीकार करेंगे, सारी चीजें, जो टेंशन रहता है, एक दबाव रहता है समाज में, कोई कहेगा रिपोर्ट मत करो, कोई कहेगा कि मान सम्मान की बात है, शादी कैसे होगी, क्या होगा, ये सारी चीजें उस बात के सामने छूटी पड़ेंगी जिसने गलती की। हमारे रावण को कहना होगा कि मैंने गलती की, और यहाँ से वो सिलसिले सब चलेंगे जिसमें हम जिस सुधार को चाहते हैं उस सुधार की तरफ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.